गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। कैसे प्लांट्स के अंदर जनरेशन हैप्लॉइड डिप्लॉइड कैसे अल्टर होती है, या फिर स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट कैसे अल्टर होती है, इस तरह से क्या होता है उसके अंदर। तो आप देखते हैं कि अगर हैप्लॉइड गैमेटोफाइट है तो वो कैसे फॉर्मेशन, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है वो कैसे बनेगा। हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस होके हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बनेगी, और डिप्लॉइड सेल में माइटोसिस होके डिप्लॉइड प्लांट बॉडी बनेगी। तो इस तरह से हैप्लॉइड प्लांट बॉडी और डिप्लॉइड प्लांट बॉडी दोनों ही माइटोसिस से बनती है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है एक्चुअली, कि सबसे पहले मान लीजिए कोई हैप्लॉइड प्लांट है, उसमें माइटोसिस होगी, माइटोसिस होकर के क्या बनेगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के जायगोट बनेगा, फिर उसमें फिर से माइटोसिस होगी, तो फिर क्या बन जाएगा, डिप्लॉइड प्लांट बॉडी बन जाएगी। डिप्लॉइड प्लांट बॉडी क्या बोली जाएगी, स्पोरोफाइट। क्यों, क्योंकि वो स्पोर का फॉर्मेशन करती है। गैमेटोफाइट किसी भी प्लांट को इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो गैमेट का फॉर्मेशन करता है। जब वही स्टेज, ऐसी स्टेज आ जाए जब स्पोर का फॉर्मेशन होगा, तो उस स्टेज को हम लोग, उस स्टेज के प्लांट को हम लोग बोलेंगे स्पोरोफाइटिक। तो इस तरह से गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट अल्टरनेशन में आती है, ठीक है, अल्टरनेशन में एक के बाद एक आती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बनी, फिर उसमें मियोसिस होगा, मियोसिस होगा तो क्या बनेगा, हैप्लॉइड स्पोर बन जाएंगे, हैप्लॉइड स्पोर फिर माइटोसिस होकर के पूरा प्लांट बॉडी बना लेगा। तो कहने का मतलब ये है, आप एक सिंपल चीज याद रखिए कि जहां पर जायगोट बनेगा, डिप्लॉइडी आएगी, वहां पे मियोसिस होगा, मियोसिस होने से फिर से हैप्लॉइडी आ जाएगी। अब ये अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग डिपेंड करता है कि कहाँ पे मियोसिस हो रही है। मियोसिस अलग अलग जगह पर हो सकती है, लेकिन हैप्लॉइडी और डिप्लॉइडी डिपेंड करती है मियोसिस के ऊपर। डिप्लॉइड से हैप्लॉइड होने के लिए क्या जरूरी है, मियोसिस, और हैप्लॉइड से डिप्लॉइड होने के लिए क्या जरूरी है, फ्यूजन होना जरूरी है, फर्टिलाइजेशन होना। यानी जहां दो हैप्लॉइड गैमेट मिल करके फ्यूज होते हैं तब वो डिप्लॉइड स्टेज आती है। अब ये अलग अलग प्लांट में अलग अलग फेज में होती है, तो इसी चीज को हम लोग समझेंगे कि ये कैसे होता है, ठीक है। तो ये तो एक जनरल हमने डिस्क्रिप्शन बता दिया, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन गैमेट प्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड गैमेटोफाइट एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, ठीक है। इसी को हम लोग आगे समझेंगे कि कैसे होता है कि अल्टरनेशन या अल्टरेशन ऑफ जनरेशन जो गैमेटोफिटिक है और स्पोरोफिटिक है दोनों के बीच में कैसे होता है। तो इतना आप ध्यान दीजिएगा कि गैमेटोफिटिक का मतलब गैमेट प्रोड्यूसिंग प्लांट या गैमेट प्रोड्यूसिंग फेज, और स्पोरोफिटिक का मतलब स्पोर प्रोड्यूसिंग फेज, ये आप याद रखिएगा हमेशा। अब हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल में, फिर डिप्लॉइडिक, फिर हैप्लोडिप्लॉइडिक, क्या होता है तीनों में डिफरेंस, इसको समझते हैं। तो जो हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल है, इसमें जो आपका डोमिनेंट फेज है वो क्या होता है, गैमेटोफिटिक फेज होता है। गैमेटोफाइट इसका डोमिनेंट फेज है। जैसे आप एल्गी में ज्यादातर देखेंगे कि वो सब क्या होती है, गैमेटोफिटिक होते हैं, इसीलिए वो उनकी लाइफ साइकिल कैसी होती है, हैप्लॉइडिक होती है। जैसे वॉलवॉर्स है, क्लेमाइडोमोनास, स्पायरो वगैरह, ये सब क्या है, हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल है। तो इसमें होता क्या है, नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट, इसमें स्पोरोफाइट फ्री स्टेज में आपको कहीं नहीं मिलेगा, और बहुत ही शॉर्ट समय के लिए होता है। यानी मेन जो इसका लाइफ साइकिल होती है, मेनली वो गैमेटोफिटिक ही होता है, गैमेटोफाइट ही होता है। स्पोरोफाइट स्टेज बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आती है, और उनमें कोई फ्री लिविंग स्ट्रक्चर नहीं होता है कि अलग से कुछ बने, थोड़े समय के लिए स्पोरोफाइट आती है, और सिर्फ इसमें जो जायगोट होता है, सिनगैमी के बाद जो जायगोट का फॉर्मेशन होता है, यही सिर्फ स्पोरोफिटिक स्टेज है, स्पोरोफाइट है। बाकी जितने भी यहाँ पे आप स्टेज देख रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब गैमेटोफाइट है। जैसे ही जायगोट बना, मियोसिस हुई, स्पोर बन गए तुरंत, तो ये हैप्लॉइडी शुरू हो गई यहाँ से, फिर ये गैमेटोफाइट पूरा प्लांट बना, फिर उनमें गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, गैमेट का फॉर्मेशन होने के बाद फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, सिनगैमी हुई, सिनगैमी के बाद क्या हुआ, जायगोट बना। तो बस इतनी समय, इतना दूर आप देखिए, इतना टाइम के लिए इसमें डिप्लॉइडी या स्पोरोफिटिक फेज आती है, बाकी पूरी लाइफ साइकिल जो है वो मेनली गैमेटोफाइट है। अब हम डिप्लॉइडिक में देखते हैं, इसमें ठीक इसका उल्टा होगा, इसमें स्पोरोफाइट फेज डोमिनेंट होती है,
गैमेटोफाइट फेज शॉर्ट टाइम के लिए आती है, बहुत छोटी होती है और डोमिनेंट नहीं होती। डोमिनेंट क्या होता है? स्पोरोफाइट। तो इसमें डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट एंड फोटोसिंथेटिक। सबसे मेन चीज एक फीचर और होगा इसमें, जैसे यहाँ है प्लांटिंग में भी हमने देखा था, तो जो इसमें गैमेटोफिटिक फेज होगी वो क्या होगी, डोमिनेंट के साथ साथ फोटोसिंथेटिक भी होगी। तो कोई भी प्लांट अगर फोटोसिंथेटिक है तभी उसको हम लोग डोमिनेंट फेज मानते हैं। लाइफ साइकिल टाइम ड्यूरेशन तो उसमें फैक्टर है ही, लेकिन ये भी जरूरी है कि वो फोटोसिंथेटिक हो। तो फोटोसिंथेटिक होने की वजह से और लाइफ साइकिल लॉन्ग होने की वजह से, मतलब जो ड्यूरेशन है वो लॉन्ग होने की वजह से, इनको हम लोग इसमें गैमेटोफाइट को डोमिनेंट मानते हैं, यहाँ पे स्पोरोफाइट को डोमिनेंट मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो फेज होती है वो लंबी भी है और इसके साथ साथ फोटोसिंथेटिक भी है। डोमिनेंट होने का मतलब लार्जर ड्यूरेशन है और फोटोसिंथेटिक है। गैमेटोफाइट फेज इसमें क्या होती है, सिंगल टू फ्यू सेल। इसमें जो गैमेटोफिटिक फेज है वो बहुत कम समय के लिए आती है, शॉर्ट होती है और सिंगल सेल से लेके फ्यू सेल तक स्टेज आती है, दो या तीन सेल तक, ज़्यादा नहीं होता इसमें। तो इस तरह से जो इसका गैमेटोफाइट है वो क्या है, वो तो हैप्लॉयड होगा ही लेकिन शॉर्ट होता है, और डोमिनेंट फेज इसमें क्या है, स्पोरोफिटिक फेज है। इसीलिए ये प्लांट क्या बोले जाते हैं, इस तरह के प्लांट डिप्लॉन्टिक बोले जाते हैं। डिप्लॉयड से डिप्लॉन्टिक बना है, हैप्लॉयड से हैप्लॉन्टिक बना है। इसके एग्जाम्पल हैं ऑल सीड बियरिंग जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म। जितने भी सीड बियरिंग प्लांट्स हैं जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म वो सब इसी में आते हैं। कुछ एल्गा की भी स्पीसीज आती हैं जैसे फ्यूकस की स्पीसीज। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो हैप्लॉयडी है वो किस में है, एल्गी या फिर उस तरह के प्लांट में, जबकि डिप्लॉयडी किस में होती है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। एक साइकिल और होती है, अब आप इसमें देखेंगे ये जो तीसरी साइकिल है वो है हैप्लोडिप्लांटिक। तो एल्गी के बाद ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइट जो आता है वो इसी में आता है। इसमें तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे हैप्लोडिप्लांटिक लाइफ साइकिल की। इसमें हम देखते हैं कि स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट जो फेज है वो दोनों लगभग इक्वल है, लगभग कोई इसमें ज़्यादा डोमिनेट नहीं कर रहा है। हालांकि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में थोड़ा सा अंतर है इसमें, लेकिन अगर हम इस फिगर को देखें तो इसमें देख रहे हैं कि ये लगभग इक्वल फेज है दोनों की, थोड़ा बहुत ही अंतर है इसमें। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कंडीशन। और दोनों फेज इसमें मल्टी सेलुलर होती है, दोनों फेज इसमें मल्टी सेलुलर होती है। यहाँ पे हमने देखा था कि जो इसमें गैमेटोफाइट है वो फ्यू सेल स्ट्रक्चर था, जबकि यहाँ पे स्पोरोफाइट सिर्फ एक स्ट्रक्चर बना था इसमें जाइगोट। यहाँ पे क्या है कि दोनों सेल मल्टी सेलुलर हैं, इसके साथ साथ दोनों फेज मल्टी सेलुलर है, मैंने गैमेटोफाइट भी और स्पोरोफाइट भी इसमें मल्टी सेलुलर है। ब्रायोफाइट में क्या होता है, जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी है, वो हैप्लॉयड गैमेटोफाइट है, जबकि टेरिडोफाइट में जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या है, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट है। यहाँ पे क्या होगा, जो स्पोरोफिटिक फेज होगी वो शॉर्ट लिव्ड होगी। ब्रायोफाइट के अंदर स्पोरोफिटिक फेज शॉर्ट होती है, साथ साथ पार्सली या टोटली डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट, यानी कि मेन प्लांट बॉडी यहाँ क्या हुई, गैमेटोफाइट। टेरिडोफाइट में उल्टा है, यहाँ पे मेन प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफाइट है, डिप्लॉयड है। और तो ब्रायोफाइट में जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी है, गैमेटोफाइट है, और जो टेरिडोफाइट है उसमें मेन प्लांट बॉडी क्या है, वो स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट में हमने देखा है कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनके ऊपर स्पोरोफिल्स होती हैं, उसके नीचे स्पोरेंजिया होती है, स्पोरेंजिया में स्पोर का फॉर्मेशन होता है, और वो स्पोरेंजिया फिर स्पोर्स रिलीज होकर के थैलस बनाते हैं, और उस थैलस के ऊपर क्या बनता है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन बनते हैं, वहाँ पे फिर मेल और फीमेल गैमेट रिलीज होते हैं, फ्यूजन होता है, उसके बाद फिर फ्यूजन होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और उस जाइगोट से फिर आप देखते हैं कि वो क्या रिलीज बनता है, पूरी एक प्लांट बॉडी डेवलप हो जाती है। कुछ एक प्लांट ऐसे भी हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि अलग से थैलस नहीं बनता है, जो फीमेल प्लांट बॉडी है उसके अंदर ही उसके ऊपर ही आर्चिगोनियम बन जाती है और उसके अंदर जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, और जो कि एक प्रीकर्सर टू सीड हैबिट, माने सीड हैबिट से पहले का जो एक डेवलपमेंट है उसको शो करता है। तो बाद में वो जो आपका वहीं पे एम्ब्रियो का भी डेवलपमेंट होने लगता है, उसी के ऊपर जाइगोट से, जाइगोट के बाद वहाँ पे एम्ब्रियो का भी फॉर्मेशन होने लगता है, बाद में वो मेन प्लांट बॉडी से अलग हो जाता है और नए प्लांट को जनरेट कर देता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट में ये हैप्लोडिप्लॉयटिक साइकिल होती है,
जो कि थोड़ा सा अंतर होता है, वह बस ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में अंतर क्या हुआ आपने देखा कि ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी जो है वो गैमेटोफिटिक है और टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि गैमेटोफिटिक फेज और स्पोरोफिटिक फेज लगभग इक्वल होती है, इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। और इस तरह से हमने आपको ये इसका इंपॉर्टेंस समझा दिया। इसमें एल्गी के कुछ जेनरा होते हैं, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, केल्स, ये भी हेप्लोडिप्लॉयटिक लाइफ साइकिल को शो करते हैं। तो इस तरह से ये डिस्क्रिप्शन आपका पूरा हुआ।